हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर दोबारा। तो भाई आज का जो टॉपिक है काफ़ी हॉट टॉपिक है, और काफ़ी दिन से मैं भी इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने भी स्टडी करी है। तो टॉपिक ये है कि जैसे आप सबने सुनना होगा कि अभी एक थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी जिसके अंदर ये आया था कि 2027 तक जितनी भी डीजल गाड़ी हैं ऑल ओवर इंडिया में बैन हो जाएगी। तो इसके ऊपर काफ़ी जो है लोगों के डाउट्स थे, कई लोगों को मिथ भी है, कई लोगों की या सच है या झूठ है या जो भी है, और कुछ मैंने स्टडी करी है। तो मैं अपने हिसाब से इस पॉइंट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस बात में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। तो भाई ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि 2070 तक हमारे देश में जो कार्बन एम्बिशंस हैं, कार्बन एमिशंस, EMISSIONS, कार्बन एमिशंस जो कि पॉल्यूटेड होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो चाहते हैं 2070 तक वो जीरो हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकी अपनी खुद की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उसको बोलती है कि आप इसके ऊपर सर्च करेंगे, यदि हमें ये टारगेट वो तक अचीव करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की खुद की कमेटी है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी, तो उसको अपॉइंट करती है और उसको बोलती है कि भाई आप इसके ऊपर हमें राय दीजिए। तो अभी फिलहाल जो कमेटी है उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी है, जिसके अंदर उसने हर एक चीज़ के लिए अपनी जो भी है रिकमेंडेशंस दी हैं। अभी फिलहाल ये सब जो चीज़ें हैं सब रिकमेंडेशन में है, और उस रिकमेंडेशन में उन्होंने 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए भी कुछ राय दी थी, और कुछ 4 व्हीलर्स और बड़े उसके लिए भी राय दी थी। बट अभी जो ये पॉइंट है जो कि बात चल रही है डीजल कार की, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि 2 और 3 व्हीलर्स के ऊपर भी क्या उन्होंने राय दी है तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, वो मैं उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि 2027 जो डीजल कार, जो डीजल व्हीकल्स के ऊपर जो बात चल रही है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके अंदर वो ये बोल देते हैं कि यदि आप जिस एरिया में पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है उस एरिया में आप डीजल व्हीकल्स बैन कर दीजिए, तब जाकर के आप जो अपना टारगेट है 2070 का जीरो एमिशन का, वो आप अपना अचीव कर सकते हैं। तो ये खबर है, और ये जो है उन्होंने एक कमेटी जो है इनकी, जो मैंने आपको नाम बताया था, सबमिट करा है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट है जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहले तो ये है कि इस कई कमेटी इस अभी जो रूमर फैला हुआ है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट व्हीकल के लिए है या कमर्शियल व्हीकल के लिए है, ये हैवी व्हीकल्स के लिए है या फिर जो हमारे जो डेली यूज के जो व्हीकल्स हैं उसके लिए है। तो ये अभी तक इसमें क्लियर नहीं है, सिर्फ यही है कि 2027 से डीजल व्हीकल बंद हो जाएंगे। और दूसरा मैं आपसे जो बात करना चाहता था, मेन बात करना चाहता था कि ये सिर्फ अभी सिर्फ प्रोविजन है, एक सलाह है जो दी गई है, इसके ऊपर ना ही गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है और ना ही उनका कोई विचार है फिलहाल कोई एक्शन लेने का या कोई प्लानिंग है लेने की। एज पर जो भी न्यूज हमें मैं जो सर्च मैंने जो सर्च करी है उसमें मैंने ये देखा है, और मेरे हिसाब से इतनी जल्दी यदि आप बंद करते हैं, क्योंकि अभी भी आप देखोगे कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल है या CNG है, तो पेट्रोल CNG तो आप मतलब पेट्रोल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी स्टेट में मिल जाएगा, बट CNG के लिए अभी भी आप यदि जाते हैं तो अभी भी लिमिटेड है, हर जगह नहीं पहुंची है, खासकर जो रूरल एरियाज वगैरह है वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंची है। एक रीजन तो मुझे ये लगता है कि अभी इनको काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा CNG के लिए भी, और यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी इतने हमारे यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है कि वो हम कहीं भी यूज कर सके। लॉन्ग रूट वगैरह यदि किसी को जाना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने में। और सेकंड जो है मेन चीज जो है, आपको पता है कि आज के डेट में हमारा जितना भी फूड प्रोडक्ट्स है या जितना भी हमारा माल ढोक जो भी वाहन है हमारा, वो बेसिकली हमारे बड़े बड़े ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं। यदि हम उसको देखते हैं तो वो अभी NCR में तो खैर लोगों ने CNG में ट्रक्स वगैरह आने भी स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी भी जो माल जैसे कि कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई हमारा जो शिमला वगैरह है या उसके ऊपर से भी जो आता है अपना जो काफी हिली एरियाज हैं वहां पे भी अभी सिर्फ ऑप्शन लोगों के पास डीजल का ही है। तो यदि ये चीजें यदि बैन होती है तो एक प्रकार से मुझे जो लगता है काफी बड़ा जो है इम्पैक्ट कर सकती है हमारे मार्केट को, चाहे वो हमारा महंगाई हो या सब चीज हो। तो मुझे जो लगता है कि अभी इतना इजी नहीं है, और बड़े बड़े व्हीकल्स हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है डीजल का, उसके थ्रू ही वो आ सकते हैं, जिसके सामान ला सकते हैं, अदरवाइज अभी तक तो कोई ऑप्शन है नहीं।
तो मेरा टोटल जो यदि मैं समअप करूँ अपनी चीज के ऊपर, तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट को काफी टाइम लगेगा, और मुझे जो लगता है कि अभी 27 का भी बोला है, हाँ इस ये है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कई कंपनियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि मारुति ने लगभग 2020-2021 में अपने सारे के सारे डीजल जितने व्हीकल्स थे बंद कर दिए, सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी में वो लोग आ गए हैं, और अब धीरे धीरे जितने भी और कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि अब हम हुंडई पे ही आते हैं, तो हुंडई में सिर्फ क्रेटा के ऊपर ही आपको डीजल मिलने लग गया, अदरवाइज जो i20 i10 वगैरह जो आती थी वो धीरे धीरे वो बंद हो गई है। तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इस चीज के ऊपर जानते थे, उनको पता था, तो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। बट जैसे कि हैवी एसयूवीज है, जैसे हमारी क्रेटा हो गई, महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई, और भी एसयूवी हो गई, और भी जैसे कि आप राजस्थान वगैरह में चले जाओ तो वहाँ बलेरो वगैरह की काफी डिमांड है, तो वहाँ डीजल पे ही वो ज्यादातर चलती है लोगों की, और उनको इतना एवरेज वगैरह भी नहीं मिलता है पेट्रोल वगैरह में, क्योंकि काफी हिली एरियाज वगैरह में चलाते हैं, रेतीले मैदान वगैरह में चलाते हैं, तो इतना वो उनको जो है मतलब आउटपुट नहीं दे पाएगी, उनके लिए फायदेमंद भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब चीजें इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएगी गवर्नमेंट। बाकी हाँ ये है कि कभी ना कभी तो ये रीजन आएगा ही गवर्नमेंट का, इसके लिए मेरे ख्याल से सबको रेडी रहना चाहिए। मेरी भी 2021 में मैंने ये डीजल गाड़ी ली हुई है अपनी, तो देखेंगे आगे अगले टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता। बट जो मैंने समअप करा है, जो मैं स्टडी करा है, उसमें मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी इस चीज को सिर्फ एक प्रोविजन है। पहली बात तो आप सब सब समझ लीजिए, ये प्रोविजन है, अभी फिलहाल गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं कर रही है, और ना ही उन्होंने इसके सुझाव के ऊपर कोई विचार कर रहा है, या ऐसी कोई खबर है कि हाँ ऐसे विचार को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यार ये था मिथ जो लोग कह रहे थे कि भाई बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी। फिलहाल तो ये एक एडवाइजरी कमेटी ने एडवाइस करा है पेट्रोलियम इंडस्ट्री को कि भाई आप इसको बंद करेंगे तब जाकर के 2070 तक जो आपका टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन का, वो आप अचीव कर पाओगे। तो यार ये थी ये वीडियो, और जो जो मुझे लगा कि जो जो बातें मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी है। आपको वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ यदि आपके अंदर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट कर देना। मे भी जितना हो पाएगा मैं उतनी रिसर्च करके आपको उसका कमेंट का जवाब दे दूंगा उसके अंदर। और यदि आप में से कोई भी भाई टू और थ्री व्हीलर के बारे में जानना चाहते हैं कि इस कमिटी में टू और थ्री व्हीलर के लिए क्या बोला है, क्या सजेशन दिया है, और यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने इस पर कवर नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लूंगा वो। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि ऐसी नई वीडियोस और मोटिवेशन सॉरी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो जो है हमारी कार इंडस्ट्री के ऊपर वो आपके पास आती रही। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।